कहा था लेखा कर्म के अंतर्गत क्लास 12th में आपका चैप्टर है साझेदारी फर्मों के लेखांकन और मूल तत्व। इसके पूर्व हमने जाना था कि साझेदारी फर्म के अंतर्गत साझेदारी क्या कहलाती है, उसके उद्देश्य क्या हैं, साझेदारी फर्म की स्थापना किस प्रकार से होती है, साथ ही साझेदारी संलेख क्या है, उसके आशय क्या है। अब यहाँ पर जब साझेदारी फर्म का निर्माण हो जाता है, फर्म काम करने लगती है, तो हिसाब किताब किस प्रकार से उसके द्वारा रखा जाता सभी साझेदारों के द्वारा, यहाँ पर हम देखेंगे साझेदारी संस्था के पुस्तकों में हिसाब के लेखे, लाभ हानि नियोजन खाता, उसका आशय एवं उसका प्रारूप क्या है। तो यहाँ पर साझेदारी संस्था की पुस्तक में हिसाब के लेखे किस प्रकार से रखे जाते हैं। साझेदारी संस्था के व्यवसाय का हिसाब किताब ठीक उसी प्रकार से रखा जाता है जिस प्रकार एकल व्यापार का हिसाब किताब रखा जाता है। ये लेखे भी यहाँ पर द्विप्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत सिद्धांत के अनुसार ही रखे जाते हैं। साझेदारी व्यवसाय के अंतिम खाते बनाते समय हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होता है, जिसमें लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार से तैयार होता है यहाँ हम देखते हैं। एकाकी व्यापार में जब लाभ हानि खाते का जो शेष शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि है वो व्यवसाय के स्वामी के पूंजी खाते में हम हस्तांतरित कर देते हैं, किंतु साझेदारी संगठन में शुद्ध लाभ या हानि पहले लाभ हानि नियोजन खाते में हम हस्तांतरित करते हैं, जो लाभ का वितरण दिखाने के लिए तैयार किया जाता है। प्रारंभ में इस खाते में शुद्ध लाभ का शेष क्रेडिट पक्ष में और शुद्ध हानि का शेष डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। इसके बाद साझेदारों के लाभ हानि पर प्रभाव डालने वाली अन्य मदें, जैसे साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, साथ ही यदि किसी साझेदार को कोई वेतन दिया जाता है, यदि कोई कमीशन दिया जाता है, तो इन सबको लाभ हानि के डेबिट पक्ष में हम उन्हें लिखते हैं। और यदि साझेदारों के द्वारा जो आहरण किया गया है उस पर ब्याज फर्म को प्राप्त हुआ है तो उस ब्याज को हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों के समायोजन के पश्चात जो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि बचती है उसे हम लाभ हानि विभाजन के अनुपात में पूंजी खाते या चालू खातों में स्थानांतरित कर देते हैं। अर्थात लाभ हानि नियोजन खाते बनाने के पश्चात जो शुद्ध लाभ या जो शुद्ध हानि बचती है उस शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को साझेदारों का जो अनुपात है, लाभ हानि विभाजन का अनुपात है, उस अनुपात में हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और फिर व्यक्तिगत रूप से साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं या चालू खाते हैं उसमें हम उस लाभ या हानि को हस्तांतरित कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता जो है वो किस प्रकार से बनता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो लाभ हानि नियोजन खाता जो हम बनाते हैं उसमें जो शुद्ध लाभ या जो शुद्ध हानि है हम प्रत्येक साझेदार को उनके अनुपात में बांट कर उसको हम पूंजी खाते में यहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पहले हम जानेंगे कि लाभ हानि का जो विभाजन है वो किस प्रकार से होगा। तो साझेदारी के मध्य लाभ विभाजन का जो है संविदा के अभाव में यदि कोई संलेख में बातचीत नहीं की गई कि लाभ हानि का विभाजन का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, समान अनुपात में उन्हें जो है लाभ हानि का वितरण किया जाएगा। परंतु यदि साझेदारों ने लाभ हानि के विभाजन का अनुपात पूर्व से ही तय कर लिया है तो उसी अनुपात में लाभ हानि को बांटा जाता है। तो यहाँ पर यह अनुपात तीन प्रकार से हो सकता है, लाभ हानि का जो बंटवारा है वो तीन प्रकार से हो सकता है, समान अनुपात में हो सकता है, निर्धारित अनुपात में, या फिर पूंजी अनुपात में। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब समान अनुपात की बात करते हैं हम इन इक्वल प्रेफरेंस, तो यहाँ पर हम समान अनुपात में इस विधि में सभी साझेदारों को बराबर बराबर
लाभ का हिस्सा दिया जाता है। जैसे यदि 3 साझेदार हैं और लाभ जो है वो 30,000 रुपये हुआ, तो तीनों को बराबर बराबर हम बांट देते हैं, अर्थात प्रत्येक को 10,000 का लाभ प्राप्त होता है। तो ये समान अनुपात हो गया। दूसरा अनुपात है निर्धारित अनुपात में, इन एग्रीड रेटियो में। यदि साझेदारों ने आपस में कोई अनुपात तय कर रखा है, तो निश्चित अनुपात में लाभ हानि का विभाजन होगा, अर्थात उन्होंने पूर्व से ही यदि कोई अनुपात तय कर रखा है तो लाभ हानि का जो विभाजन है वो उसी अनुपात में तय होगा। कभी कभी साझेदार ये निर्धारित करते हैं कि एक सीमा तक लाभ हानि का विभाजन एक अनुपात में तथा इस सीमा से अधिक राशि का विभाजन किसी दूसरे अनुपात में किया जाएगा। कभी कभी ये होता है कि निर्धारित अमाउंट तक वो तय कर लेते कि इस अमाउंट तक का जो लाभ हानि का विभाजन वो इस अनुपात में होगा, और इस निर्धारित अमाउंट के ऊपर का जो अमाउंट होगा उसका वितरण दूसरे अनुपात में किया जाएगा। तो ये निर्धारित अनुपात हो गया। तीसरा हो गया पूंजी अनुपात। यह पूंजी अनुपात से तात्पर्य यहाँ पर कि जिस साझेदार की जितनी पूंजी है उसकी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि का वितरण उसको किया जाएगा। तो यदि लाभ हानि का विभाजन साझेदारों के पूंजी अनुपात में करना है तो यह अनुपात कौन सी पूंजी शेष का होगा, प्रारंभिक पूंजी शेष या अंतिम पूंजी शेष, यह पूर्व से तय कर लेना चाहिए, अन्यथा आपसी विवाद से समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर यह तय किया जाता है कि किस साझेदार की कितनी पूंजी है, और साथ ही प्रारंभिक पूंजी पर वितरण होगा या अंतिम पूंजी शेष पर वितरण होगा, तो उस हिसाब से पूंजी के अनुपात में भी लाभ हानि का वितरण किया जा सकता है। तो यहाँ 3 प्रकार से लाभ हानि का विभाजन जो है वितरित किया जा सकता है। अब लाभ हानि नियोजन खाते में बताए गए समायोजन करने के पश्चात बचा हुआ शेष लाभ या हानि कहलाता है। जो हम लाभ हानि खाता बनाते हैं उसमें वेतन वगैरह, कमीशन वगैरह, आरंभ पर ब्याज, इन सबका समायोजन करने के पश्चात जो लाभ या हानि बचती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निम्न प्रविष्टि हम यहाँ पर करते हैं कि यदि लाभ हुआ तो लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट, जितना भी लाभ हुआ उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और यहाँ पर सभी साझेदारों के चालू खाते से क्रेडिट कर देंगे। जैसे प्रथम उदाहरण में हम देखें कि लाभ यदि 30,000 रुपये हुआ तो लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट 30,000, साझेदारों के चालू खाते ए बी सी क्रेडिट होंगे क्रमशः 10,000 रुपये से। इसी प्रकार से यहाँ पर हानि के लिए हम देखेंगे, हानि यदि होती है तो साझेदारों का चालू खाता जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और लाभ हानि नियोजन खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर साझेदारों के चालू खाते प्रत्येक जो भी साझेदार ए बी सी उनका खाता डेबिट होगा, और लाभ हानि नियोजन खाते से जो भी हानि हुई है वो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर साझेदारों को हानि का वितरण होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि सभी साझेदारों के बीच में लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा, कि लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप क्या है या ये किस प्रकार से बन। आखिरी वाली ये हमारे सामने लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी फर्म का प्रारूप जो है वो इस प्रकार से, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। तो डेबिट पक्ष में जो भी हानि है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो भी लाभ है वो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। अब यहाँ पूंजी पर ब्याज, यहाँ पर जितने भी प्रकार के भुगतान किए गए हैं इनको हम डेबिट पक्ष में यहाँ लिखेंगे। तो पूंजी पर ब्याज, साझेदारों के द्वारा जो व्यवसाय में पूंजी लगाई गई है उस लगाई गई पूंजी पर साझेदारों को जो तय अनुपात में ब्याज दिया गया है उसको हम यहाँ लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। मान लीजिए ए साझेदार को पूंजी पर ब्याज 5,000, बी को 3,000, तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज आ गया। इसके बाद वेतन व कमीशन। अब यहाँ पर यदि कोई साझेदार फर्म से अपने कार्य करने के एवज में वेतन लेता है या कमीशन लेता है, तो जिस साझेदार के द्वारा ए या बी के द्वारा जो भी वेतन या कमीशन लिया गया उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर फर्म के द्वारा यदि कोई ऋण लिया गया था उस पर जो ब्याज उनके द्वारा चुकाया गया फर्म के द्वारा, तो ऋण पर ब्याज आ गया। फिर अन्य फर्म के खर्चे, अन्य कोई फर्म के खर्चे जो हैं
उनको हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अन्य कोई लाभ जो है जो पूंजी खाते में ट्रांसफर हुआ उसको लिखेंगे। फिर पूंजी या चालू खाते से कैपिटल और करेंट अकाउंट, यहाँ पर जो भी पूंजी है उस पर जो पूंजी खाता चालू खाता यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ क्रेडिट पक्ष पे देखते हैं आहरण पर ब्याज खातों को, कि यदि साझेदारों के द्वारा जो आहरण किया गया उस पर जो ब्याज उनके द्वारा दिया गया ए के द्वारा बी के द्वारा उसको यहाँ हम लिखेंगे। इसके पश्चात हानि, लास्ट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टोटल में से यहाँ पर हम जो है जो भी हानि हुई है उसको हम यहाँ पर साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि यदि क्रेडिट पक्ष का योग जो है वो कम है तो यहाँ पर इस तरफ पूंजी खाते चालू खाते से ट्रांसफर हो जाएगा और इस तरफ लाभ है और आपका क्रेडिट पक्ष से जो हानि है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये लाभ हानि नियोजन खाता। यहाँ बात करते हैं हम पूंजी खाते। तो यहाँ पर पूंजी खाते जो हैं, साझेदार व्यवसाय प्रारंभ करते समय प्रत्येक साझेदार व्यवसाय में अपने अपने हिस्से की पूंजी लगाता है। वह पूर्व से ही निश्चित कर लेता है कि कौन साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा। कभी कभी विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को बिना उसकी पूंजी के ही व्यापार में सम्मिलित कर लिया जाता है। वह व्यक्ति बिना पूंजी लगाए ही फर्म का साझेदार बन जाता है और लाभ में हिस्सा प्राप्त करता है। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय में कौन कौन साझेदार अपने हिस्से की कितनी पूंजी लगाएगा, और कभी कभी ये भी होता है कि कोई साझेदार बगैर पूंजी लगाए भी फर्म में साझेदार बन सकता है और उसका लाभ में हिस्सा क्या होगा यह तय किया जाता है। तो पूंजी के रूप में कभी कभी साझेदार रोकड़ नगद तो लाते ही हैं, साथ में अन्य संपत्ति, फर्नीचर, भवन, माल या यंत्र आदि भी पूंजी के रूप में लाते हैं। इसके लिए हम प्रत्येक साझेदार के लिए फर्म में अलग अलग पूंजी खाते खोलते हैं, जिसकी प्रविष्टि हम निम्न रूप से करते हैं। पूंजी यदि नगद लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, मतलब ए बी सी तीनों के द्वारा जो नगद पूंजी लाई गई उसकी प्रविष्टि यहाँ होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, अर्थात साझेदारों के द्वारा नगद पूंजी लाई गई। अब यहाँ पर यदि कोई नगद के अलावा अन्य पूंजी लाता है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, अर्थात कि यदि जितनी भी संपत्ति ए के द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा लाई गई तो टोटल जो संपत्ति है वो डेबिट हो जाएगी स्टॉक अकाउंट के नाम पर। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, ये जो है पूंजी खाते की जनरल प्रविष्टियाँ। अभी हमने देखा कि लेखांकन के अंतर्गत लाभ हानि नियोजन खाता और दूसरा आपका पूंजी खाता किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पर जो है पूंजी खाते दो प्रकार से रखे जाते हैं, पहला होता है स्थायी पूंजी खाता और दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। यहाँ हम देखेंगे कि स्थायी पूंजी खाता क्या होता है। स्थायी पूंजी के खाते के अंतर्गत साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी सदैव क्या होती है, स्थिर होती है, और साझेदारी की संपूर्ण अवधि में जब तक साझेदारी व्यवसाय चलता रहता है पूंजी स्थिर रहती है। जब तक कि समझौते के अधीन अतिरिक्त पूंजी नहीं लाई जाती या स्थायी रूप से कोई पूंजी नहीं निकाली जाती। तो इसका आशय यहाँ पर यह है कि प्रारंभ में साझेदारों के द्वारा जो पूंजी स्थायी रूप से लगा दी जाती है वो स्थायी पूंजी खाते के अंतर्गत लगी हुई पूंजी कहलाती है। अब इस पूंजी में परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक कि स्थायी रूप से कोई पूंजी उसमें से निकाल ना ली जाए या जब तक कोई पूंजी उसमें और लगा ना दी जाए, तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूंकि इस विधि में साझेदारों के पूंजी खाते अपरिवर्तनीय होते हैं, तो यहां पर पूंजी चूंकि हम नहीं निकालते, एक बार जो पूंजी लगा दी वही लगी रहती है, तो इससे क्या है ये पूंजी खाता स्थिर होता है। यहाँ पर अब चूंकि ये पूंजी खाता स्थिर हो जाता है, अतः पूंजी खाते के साथ साथ हमें एक अतिरिक्त खाता भी खोलने की आवश्यकता होती है, जिसमें साझेदारों से संबंधित अन्य व्यवहार, आहरण हो गया,
पूंजी पर ब्याज हो गया, आहरण पर ब्याज, वेतन या कमीशन आदि का लेखा हम उसमें करते हैं। तो जो खाता कहलाता है दूसरा, वो कहलाता है साझेदारों का चालू खाता, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इस प्रकार से स्थायी पूंजी खाते में हम देखते हैं कि दो प्रकार से खाते बनते हैं। एक बनता है साझेदार का स्थायी पूंजी खाता, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। दूसरा बनता है साझेदारों का चालू खाता, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो उपयुक्त कथन से स्पष्ट है, यहाँ पर हम देखते हैं कि साझेदारी पूंजी खाता में दो खाते खोले जाते हैं, जिन्हें नाम से हम जानते हैं, साझेदार का पूंजी खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। तो यहाँ पर जब हम स्थायी पूंजी खाता पद्धति से पूंजी खाते साझेदारों के तैयार करते हैं, तब उस स्थिति में हम दो प्रकार के खाते बनाते हैं, स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील, यहाँ पर साझेदारों का चालू खाता। दूसरे प्रकार का जो खाता है वो कहलाता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। यदि हम स्थायी पूंजी खाता और चालू खाता नहीं बनाते, तब एक खाता बनता है उसके स्थान पर परिवर्तनशील पूंजी खाता।